बैतूल के एक सनसनीखेज मामले ने सभी की नींद उड़ा दी है। मामला अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने का है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, तो हम आपको बता दें कि भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं लेखचंद यादव, जो रक्तदान करते और कराते रहते हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है कि उनका अपहरण कर जान से मारने की धमकी भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री विकास प्रधान और मनोज धोटे ने दी है। लेखचंद यादव ने बताया कि 5 जुलाई की रात को मनोज धोटे का फोन आता है कि कुछ काम है, डेरी पर आ जाओ। जब मैं वहां पहुंचा तब तक मनोज वहां से जा चुका था। तभी वहां एक कार आकर रुकी और विकास प्रधान और उसके साथी ने कार में जबरन बैठा लिया। तब मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। तभी मैंने एक मैसेज छोटे भाई दिलीप को किया, लेकिन 20 किलोमीटर दूर ले जाकर विकास ने जान से मारने की धमकी देकर मुझे उतार दिया, जिसके बाद जैसे तैसे मैं बैतूल पहुंचा। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या करती है और क्या सच्चाई सामने आने वाली है। इसका नाम है आपका? लेखचंद यादव। लेखचंद जी, बताएं क्या मामला था पूरा? दिनांक 5/7/2018-19 को शाम को 8 बजे मुझे मनोज धोटे का फ़ोन आया, जो राही डेयरी का संचालक है बसंत पेट्रोलियम के सामने, कि वह एक ज़रूरी काम है, मिलने आओ। तो मैंने कहा कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम घर आ जाओ। तो फिर बोले कि नहीं, उन्हें 2-3 बार फ़ोन किया कि नहीं, बहुत अर्जेंट काम है, 5 मिनट के लिए आ जाओ। बोले दुकान पे बहुत ग्राहक है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तुम ही आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। फिर जब मैं गया तो वहाँ पे मनोज धोटे था नहीं, उसका छोटा भाई था धर्मेंद्र धोटे। तब मैंने पूछा कि धर्मेंद्र मनोज का है? तो बोले भैया है नहीं, बोले वो। तो फिर मैंने मनोज को फोन लगाया कि मनोज भाई कहाँ हो तुम? मैं दुकान पर। तो बोले 10 मिनट रुको, बैठो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं बैठा दुकान पे, तो उसके बाद एक सफ़ेद कलर की फिगो फोर्ड कार आई और उसमें विकास प्रधान और रवि नाम का लड़का था। तो रवि उतरा और बोले कि विकास भैया बुला रहे हैं, बोले मिल ले। फिर जब मैं कहते उससे मिला तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के बैठा लिया मेरे को कार में जबरदस्ती, और बाजू की बटन से गेट लॉक कर दिया। और किसी प्रकार की धमकी वगैरह दी किस मामले को? हाँ, मुझे बोला कि बहुत नेतागिरी करता है, बहुत बड़ा नेता बन रहा है तू, बहुत तेज चल रहा है। किसी बात को लेकर विवाद था आप लोगों? नहीं, कोई विवाद नहीं था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जो अलग अलग गुट चल रहे हैं और उनकी कुछ लोगों से नहीं पटती हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, इसलिए राजनीतिक द्वेष के कारण उन्होंने मेरा अपहरण किया था। शिकायत करी आपने, क्या कार्रवाई हुई अभी? पुलिस अधीक्षक महोदय ने निष्पक्ष जांच कहा कि मामला पंजीबद्ध करने का आश्वासन दिया है।